हाय हेलो श्योर मेयर, कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो। सो फाइनली मेरा पहला पावर लिफ्टिंग इंडिया का कंपटीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बेंच प्रेस का। सो बहुत दिन से वेट कर रहा था इसके लिए, एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। फिट्स ही अच्छा जाना चाहिए। कंपटीशन के लिए कुछ चीज़ों का ना नीड रहता है, लाइक कंपल्सरी रहता है। सो मैं वो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सो बेंच प्रेस का कॉम्पिटिशन है। सो थोड़ी सी चीज़ें जो है जो कंपल्सरी है, सो इसमें एक राउंड का टी शर्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिंगलेट स्टेप्स रिस्ट के लिए, सॉक्स, शूज और पाउडर जिससे आपका ग्रिप नहीं छूटनी चाहिए। ये इतना सा चीज़ें हैं जो आपको कंपल्सरी लगेगा। अभी बेंच प्रेस का कंपटीशन है तो इतना ही लगेगा, और अगर थोड़ा लाइक SBD रहता तो और भी चीज़ें ऐड हो जाती, लाइक जैसे मेरा नी कैप हो जाए और भी एक्सेट्रा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं निकलता हूँ, 7 बजे है, मेरे को अभी वेट भी देना होगा। चलो मिलते आगे। बारिश इससे मेरा मूड ख़राब कर रहा है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ रहा है यार। अच्छा खासा बाइक से आ जाता तो फिर से ओला बुक करना पड़ा, बट कोई नहीं, लेट हो रहा था तो मैं सोचा ओला आ जा। भाई अच्छे हैं ओला वाले, अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। ये भाई के Some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's. Shivam Kanojia se Shivam Vimal ho gaya main. Shivam Vimal, pan masala, dane dane mein kesar ka dam. Alam. सो वेट दे दिया मैंने, 57.8 वेट आया मेरा। मैंने बिल्कुल कल पानी बिल्कुल नहीं पिया था, लाइक 200 या 300 ml पानी मैंने पिया था, वो भी लाइक जस्ट ऐसा ले रहा था और पी रहा था और खाया भी नहीं बिल्कुल। मैंने कल पूरा दिन सैलेड पे था, बिकॉज कल मेरा वेट 59.3 था। सो जो भी वेट वाटर इंटेक कट कर रहा है, सो डायरेक्ट पानी मत पियो, पहले कुछ शुगर ही पी लो, उसके बाद कुछ खा लो और फिर पानी पी लो। सो मैं थोड़ा पीता हूँ। सो हम लोग ग्रुप ने सब ने वेट दे दिया है। ये लुइफ है, ये साई है और साथ में निहाई है और श्रवण भी है साथ में, ये मेरे साथ ही है सब। तो 6:45 हम लोग घर से निकले थे, 8 बजे हम लोगों का वेट दिया हम लोगों ने, और अभी 10:30 हो गया है। उन्होंने वार्म अप के लिए बोला है, वार्म अप करेंगे फिर डायरेक्ट जाएंगे। पहला मैंने वेट मेरा 75 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, तो देखते हैं कैसे जाता है। साई ने 82.5 और लोइफ ने 75। Yeah, that's it.
देख कितना ऊपर आ गया, हां ऑलमोस्ट आ गया था। जैसे मैं लेटर यूज कर लिया क्रैम्प आ जाता है, इसलिए देख हम देख रहे हैं यार, ये नहीं रहेगा यार, ये पूरे की नहीं रहेगा। हाँ वो बोल रहे एक मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ। तेरा माइंडसेट क्या है? बस मिलेगा स्टॉल मैन, मिलेगा भाई होटल में बैठा। चार बजे कंपटीशन खत्म हुआ था और अभी 7 बज रहे, अभी तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू नहीं किया यार। अब बहुत जोर से भूख लगा है, इन लोगों तो मलाड जाना है, मलाड जाना है, मलाड में हड़ा में जाना है। तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा यार, घर पे भी जाना है यार, खाना भी है, जल्दी चालू करो। तो फाइनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। अमन साई एक और गोल, लॉल इन द चैट भाई, सेकंड आया है बट फर्स्ट उसको मिल गया। कैसा फील हो रहा है? एकदम बराबर। गोल भाई गोल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट हूं, 80 केजी फेल हो गया मेरा। ठीक है ठीक है, आएगा आएगा, अभी सेकंड फीवर है। और कैसा लग रहा है शिवम भाई आपको? पहला कंपटीशन पावरलिफ्टिंग इंडिया का और पहले मैं ही सेकंड आया हूं, बहुत खुश हूं, आगे और आएंगे, अभी तो स्टार्ट है इंशाल्लाह। सो कॉम्पिटिशन डन, मैं सेकेंड आया 59 जूनियर में, अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, लेट्स सी आगे क्या होता है। ये तो कंफर्म है मेहनत मेरा चालू रहेगा और आप लोगों को ऐसे सपोर्ट करते रहना है और आगे पीछे तो मीर सर, ऋषभ दा और सब लोग है ही, और भी मेरे फ्रेंड्स लोग सब लोग है, सपोर्ट करते रहो, रुकूंगा नहीं। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।